हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानकारी देने जा रहे हैं श्री अमरनाथ यात्रा के बारे में। अगर आप भी इस साल अमरनाथ यात्रा का प्लान बना रहे हैं और जानना चाहते हैं कि अमरनाथ यात्रा पर कब जाना है, कैसे जाना है, रजिस्ट्रेशन कब, कैसे और कहां से करा सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट कहां से बनवाना है, कौन कौन से डॉक्टर की लिस्ट जारी की गई है और आप कम से कम खर्चे में कैसे अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ट्रेवल ट्रैकर यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी दबाएं। सबसे पहले बात करते हैं कि अमरनाथ यात्रा पर आप कब जा सकते हैं और सीजन कौन सा सही रहेगा। तो अमरनाथ की यात्रा करीब 1.5 से 2 महीने जून के एंड से शुरू होकर अगस्त के एंड तक चलती है और इस साल यानी 2024 में अमरनाथ की यात्रा 29 जून से लेकर 19 अगस्त यानी केवल 45 दिन ही चलेगी। इस दौरान ही भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे और कहां से कराएं, तो यात्रा रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू भी हो चुका है। श्री अमरनाथ की यात्रा करने से पहले रजिस्ट्रेशन के लिए यात्रा पर्ची बनवाने के लिए 2 फॉर्म्स को भरना पड़ता है, तो आप चाहे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पहले बात करते हैं CSC फॉर्म यानी कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट की। इस सर्टिफिकेट को अमरनाथ गुफा की यात्रा करने से पहले आपको ऑथराइज डॉक्टर या इंस्टीट्यूशन से ही बनवाना पड़ता है। ये ऑथराइज डॉक्टर और इंस्टीट्यूशन श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा लिस्टेड किए गए हैं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट jksasb.nic.in पर जाकर आप अपने आसपास के ऑथराइज डॉक्टर्स और इंस्टीट्यूशन को देख सकते हैं। बिना ऑथराइज डॉक्टर या इंस्टीट्यूशन से हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने पर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आप अपने साथ रखें क्योंकि यह जम्मू में चेक पॉइंट्स पर भी चेक किया जाता है। और दूसरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म द्वारा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने के बाद आपको अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा चयन किए गए पंजाब नेशनल बैंक, SBI बैंक, JK बैंक और यस बैंक की कुछ सिलेक्टेड ब्रांच में रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ साथ CSC सर्टिफिकेट और 4 पासपोर्ट साइज फोटो का डिपॉजिट करना होगा। इन दोनों फॉर्म को डिपॉजिट करने के बाद आपको ₹120 बैंक में जमा करने पड़ेंगे और उसके बाद आपको अमरनाथ की यात्रा के लिए यात्रा पर्ची दे दी जाएगी। यात्रा पर्ची के बिना अमरनाथ की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती है। अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए आप पहुंचेंगे कैसे। तो अमरनाथ यात्रा के लिए आप देश के किसी भी शहर में रहते हो, आपको पहले जम्मू या श्रीनगर पहुंचना होगा और उसके बाद बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए सबसे पहले अमरनाथ बेस कैंप तक पहुंचना होगा। अगर बात करें एरोप्लेन द्वारा, तो बेस कैंप पहलगाम का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट श्रीनगर है, जो करीब 92 किलोमीटर दूर है। श्रीनगर एयरपोर्ट से आप टैक्सी या बस द्वारा पहलगाम पहुंच सकते हैं। बात करें बाई रोड जाने की, तो सड़क मार्ग के रास्ते पहलगाम पहुंचने के लिए पर्सनल कार या बस द्वारा आप पहले ही जम्मू पहुंच सकते हैं और फिर वहां से श्रीनगर। यहां दिल्ली से जम्मू की दूरी लगभग 590 किलोमीटर है और इस दूरी को आप 10 से 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अगर आप बस द्वारा सफर कर रहे हैं, तो दिल्ली जैसे बड़े शहरों से बस की सुविधा सिर्फ जम्मू तक ही होती है। इसके बाद 8 से 10 किलोमीटर दूर अमरनाथ यात्रा के लिए बने बेस कैंप भगवती नगर तक पहुंचकर आगे का सफर पहलगाम या बालटाल तक पूरा करते हैं। लेकिन बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए सबसे सस्ता और सबसे बेहतर विकल्प है ट्रेन। इसलिए अब बात करते हैं ट्रेन द्वारा। तो अमरनाथ बेस कैंप का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन उधमपुर है, जो पहलगाम से लगभग 174 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा अन्य रेलवे स्टेशन भी हैं जहां आप ट्रेन द्वारा आ सकते हैं। यह स्टेशन पहलगाम से लगभग 244 किलोमीटर दूर है, लेकिन जम्मू तवी रेलवे स्टेशन बेहतर विकल्प है अमरनाथ यात्रा के लिए, क्योंकि एक तो यहां से देश के लगभग सभी बड़े शहरों के लिए ट्रेनें चलती हैं और दूसरा ये कि जम्मू स्टेशन से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप भगवती नगर जम्मू स्टेशन के नज़दीक ही है। तो दोस्तों, भगवती नगर पहुंचने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से रास्ते से जाना है, क्योंकि बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं जहां से यात्रा शुरू होती है। पहला रास्ता है बालटाल से, जो केवल 14 किलोमीटर लंबा है। यह छोटा रूट है, लेकिन यह रास्ता काफ़ी कठिन और सीधी चढ़ाई वाला है। वहीं दूसरा रास्ता है पहलगाम से, जो कि पारंपरिक रास्ता है। यह लगभग 36 किलोमीटर लंबा लेकिन आसान और सुविधाजनक रास्ता है। अधिकतर लोग पहलगाम वाले रास्ते से जाकर बालटाल वाले रास्ते से वापस आते हैं। पहलगाम और बालटाल, ये दोनों ही स्थान श्रीनगर से अच्छी तरह से जुड़े हैं, इसलिए सभी श्रद्धालु श्रीनगर होते हुए पहलगाम या बालटाल पहुंचकर अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। ट्रेन से तीर्थयात्री जम्मू स्टेशन पहुंचकर 7 से 8 किलोमीटर दूर अमरनाथ यात्रा के लिए बने भगवती नगर बेस कैंप तक आते हैं।
इस दूरी को ऑटो द्वारा 50 रुपए में पूरा कर सकते हैं। भगवती नगर बेस कैंप में आपको यात्री निवास के साथ साथ लंगर की भी सुविधा मिलती है। यहाँ पर बड़े बड़े हॉल बने हैं जहाँ पर बेड, तकिए, रजाई यह सब आपको दिया जाएगा और बेड कवर चार्ज करते हैं 100 से 150 रुपए। आप यहाँ नाइट स्टे करके अगले दिन सुबह सुबह बसों और टैक्सियों द्वारा पहलगाम या बालटाल पहुँच सकते हैं। यही पास में बस बुकिंग काउंटर है, तो रात में ही आप अगले दिन सुबह सुबह के लिए बस बुक कर लीजिएगा, क्योंकि भीड़ ज्यादा होने की वजह से सुबह सुबह टिकट मिलने में मुश्किल होती है। यहाँ बस का किराया 600 से 700 रुपए प्रति व्यक्ति होता है, वहीं टैक्सी का किराया लगभग 4 से 5000 रुपए होता है और यहाँ से 8 से 9 घंटे में आप पहलगाम या बालटाल पहुँच सकते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे पहलगाम वाले रूट से जाने की, इसलिए पहलगाम पहुँचकर आगे की यात्रा के बारे में जानेंगे। अमरनाथ यात्रा के दौरान पहलगाम पहुँचने के बाद आपको यहाँ नाइट स्टे के लिए टेंट में ठहरने व विश्राम करने के लिए काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के कैंप्स का एक रात का टैरिफ लगभग 400 रुपए होता है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अलावा पवित्र गुफा के रास्ते में रात भर ठहरने के लिए प्राइवेट टेंट्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनका किराया रजाई, गद्दे, कंबल और तकियों के साथ 400 रुपए से लेकर 800 रुपए पर पर्सन अलग अलग टेंट्स और लोकेशन के अकॉर्डिंग होता है। इसके अलावा पहलगाम से अमरनाथ यात्रा के पवित्र गुफा के रास्ते में पूरे ट्रैक पर अलग अलग एनजीओज सोसाइटियों द्वारा यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे यात्रा के दौरान खाने पीने की कोई भी समस्या नहीं होती है। इसके अलावा राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा पवित्र गुफा के रास्ते में यात्रियों को मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रदान की जाती है। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर बेस अस्पताल, मेडिकल असिस्टेंस सेंटर्स और इमरजेंसी सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं। साथ ही श्राइन बोर्ड द्वारा अलग अलग बेस कैंप्स में क्लॉक रूम की सुविधा भी प्रदान की जाती है। दोस्तों, पहलगाम से चलने के बाद पहला पड़ाव चंदनवाड़ी का आता है, जो पहलगाम बेस कैंप से करीब 16 किलोमीटर दूर है, जहां जाने के लिए मिनी बस और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आप यहां 50 से 100 रुपए में चंदनवाड़ी पहुंच सकते हैं। चंदनवाड़ी में भी रात को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही चंदनवाड़ी में लंगर की भी सुविधा मिलती है, जहां आप खाने पीने के बाद अपनी आगे की यात्रा को जारी रख सकते हैं। चंदनवाड़ी से ही श्री अमरनाथ गुफा तक पैदल ट्रैक करके यात्रा शुरू होती है। चंदनवाड़ी के बाद अगला स्टॉप शेषनाग पड़ता है, जो करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है। चंदनवाड़ी से शेषनाग की इस 12 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए आप पैदल ट्रैक करके या फिर खच्चर, पालकी और पोनी की सुविधा लेकर शेषनाग पहुँच सकते हैं। शेषनाग में भी खाने पीने और रात को ठहरने की सुविधा उपलब्ध होती है। शेषनाग पहुंचकर आप यहां रात को स्टे कर सकते हैं, फिर अगले दिन सुबह सुबह अगले पड़ाव के लिए अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। शेषनाग से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर पंचतरणी नामक स्थान है। पंचतरणी से अमरनाथ गुफा की दूरी मात्र 6 किलोमीटर रह जाती है और इस दूरी को भी आपको पैदल, खच्चर, पालकी या पोनी की सवारी करके पूरा कर सकते हैं। पंचतरणी में भी खाने पीने और रात को ठहरने की सुविधा होती है। पहलगाम से होते हुए अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने में आपको 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। दोस्तों, अमरनाथ गुफा पहुंचने पर आपको वहां दर्शन के लिए 1 या 2 घंटे लाइन में भी लगना पड़ता है। ये वहां की भीड़ पर भी डिपेंड करता है कि लाइन में आपको कितना टाइम लगेगा। बाबा बर्फानी और पवित्र गुफा के दर्शन करने के बाद आप वापसी बालटाल वाले रूट से कर सकते हैं, जिसमें आपका उतरते हुए काफी समय बच जाता है। दोस्तों, अगर आप बात करें बालटाल वाले रूट से आप पवित्र अमरनाथ गुफा तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो कठिन और सीधी चढ़ाई होने के कारण इस मार्ग पर ट्रैकिंग करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस रास्ते से श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा तक जल्दी भी पहुंच सकते हैं। बालटाल से अमरनाथ गुफा की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। बहुत से लोग एक दिन में ही इस 14 किलोमीटर की दूरी को पूरा करके पवित्र गुफा तक पहुंच जाते हैं, और ज्यादातर लोग अमरनाथ यात्रा का परमिट बनवाते समय उस परमिट में पहलगाम रूट से अमरनाथ गुफा जाने और बालटाल वाले रूट से वापस आने का प्लान बनाते हैं, ताकि दोनों रूट कवर कर सकें। वहीं दोस्तों, अगर आप हेलीकॉप्टर द्वारा अपनी यात्रा पूरी करना चाहते हैं, तो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा पवित्र गुफा के दोनों मार्गों पर हेली सर्विस प्रदान की जाती है। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के लिए टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से या फिर ऑथोराइज एजेंटों के माध्यम से की जाती है। यहाँ हेलीकॉप्टर का बालटाल से आने जाने का किराया लगभग 4000 रुपए और पहलगाम से लगभग 7000 रुपए होता है। अब अगर टोटल कॉस्ट की बात करें, तो यह यात्रा जम्मू से जम्मू तक की है, यानी जो आपका स्टार्टिंग बेस पॉइंट है वह जम्मू है और वापसी का फाइनल एंड पॉइंट भी जम्मू है। अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से जाते हैं तो आपके 4 से 5 दिन लगेंगे और बालटाल वाले रास्ते में आपको 3 दिन लगेंगे। अब बात करें खर्चे की, बालटाल वाले रास्ते की बात करें तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 2500 या 3000 के आसपास लग जाएगा, और वहीं अगर आप पहलगाम वाला रास्ता अपनाते हैं तो इसमें आपका टोटल खर्चा लगभग 4000 रुपए के आसपास आ जाता है। तो
तो दोस्तों ये थी श्री अमरनाथ यात्रा के बारे में पूरी जानकारी। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा को लेकर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।